ये देखिए कितनी क्रंची बनी है, मैं आपको तोड़ के दिखाऊं, आप इसका क्रंच देख सकते हैं। ये देखिए, यकीन मानिए बहुत टेस्टी बनी है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फरी और आप देख रहे हैं फरीज किचन। फ्रेंड्स, आज हम अपने किचन में बनाएंगे गुड़ पापड़ी की रेसिपी, गुड़ पट्टी की रेसिपी। ये बहुत टेस्टी बनती है, सर्दियों में इसे बहुत शौक से खाया जाता है। शायद आपको याद हो कि जब हम छोटे छोटे से थे तो ये बाहर मार्केट में मिला करती थी, अब तो बहुत कम नज़र आती है, पर इसकी रेसिपी मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ, तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए गुड़ पापड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है आप उन्हें नोट डाउन कर लीजिए। 1 पाव मैंने गुड़ लिया है, 250 ग्राम, 2 टेबलस्पून वाटर लिया है, 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा लिया है, मीठा सोडा जिसे हम कहते हैं, और 1 टेबलस्पून घी लिया है। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल फरीज किचन को सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इससे हमारी हर न्यू अपलोड सबसे पहले आप तक पहुंच सके, और ये बिल्कुल फ्री है। ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टेप हमें ये करना है कि गुड़ पापड़ी को जमाने के लिए हमें जो भी मोल्ड वगैरह का यूज़ करना है वो आप कुछ भी ले सकते हैं, ट्रे ले लें, परात ले लें। मेरे पास ये केक का एक मोल्ड था तो मैं इसके अंदर इसको जमा दूंगी, ताकि ये क्विकली इजीली यहाँ से रिमूव भी हो जाएगा, निकल भी जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसे ग्रीस कर लेते हैं घी से। घी से हम इसे अच्छे तरीके से ग्रीस कर देंगे। मैंने इसे बहुत अच्छे तरीके से ग्रीस कर लिया है, अब इसे हम साइड में रख देंगे। ओके फ्रेंड्स, गुड़ पापड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। इस तरीके का कोई भी आप फ्राई पैन वगैरह ले लें, आप ये ख्याल कीजिएगा कि फ्राई पैन या जो भी चीज़ आप लें वो नॉन स्टिक हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो चलिए अब हम सेकेंड स्टेप करते हैं, फ्लेम ऑन करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ्लेम को लो रखेंगे, घी ऐड करेंगे, घी को मेल्ट होने देंगे, अब गुड़ ऐड कर देंगे, पानी ऐड कर देंगे, मिक्स करेंगे। अब फ्रेंड्स, हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि लो फ्लेम पर हमें गुड़ को मेल्ट करना है, अगर हम फ्लेम हाई कर देंगे तो गुड़ जल जाएगा। तो बस लो फ्लेम करके हमें गुड़ के मेल्ट होने का वेट करना है। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए गुड़ मेल्ट हो चुका है और ये आप देख सकते हैं कि गुड़ के अंदर बबल्स आने लगे हैं। अब हम इसे मुस्तकिल इसको स्पैचुला की मदद से जो है हिलाते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल लो फ्लेम पर मैं इसे तकरीबन 10 मिनट से स्पैचुला में हिला रही हूँ, तो इससे ये हुआ है कि अब हमें इसकी कंसिस्टेंसी चेक करनी है कि ये उस कंडीशन में आया है या नहीं, क्योंकि हमें पापड़ी को बिल्कुल क्रंची सा रखना है, क्रिस्पी सा। तो जो है, चलें अब हम इसे चेक करते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। तो यहाँ पर मैंने ये पानी लिया है, तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा ये गुड़ डालकर देखूंगी। जब ये बिल्कुल क्रंची सा अगर हो गया होगा तो हमारी कंसिस्टेंसी रेडी है, अदरवाइज मैं इसे और कुक करूंगी। तो ये देखिए, ये मैं यहाँ पर डाल रही हूँ, ठीक है। अब इसे मैं चेक करती हूँ। अच्छा, ये करना है हमें कि फ्लेम बिल्कुल बिल्कुल लो रखेंगे और ये इसको हमें छोड़ना नहीं है, कि अगर हम इसको स्पून चलाना हम इसका स्टॉप कर देंगे, रोक देंगे, तो ये गुड़ जल जाएगा। तो मैं इसको आपको चेक करके बताती हूँ। तो ये देखिए आप, बिल्कुल क्रंची से इसकी आवाज़ आ रही है, बस यही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए इसकी। तो यहाँ पर ये मैं सोडा ऐड कर दूँगी, पहले मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी और स्पून बिल्कुल कंटिन्यू मुझे चलाना है। ये देख सकते हैं आप कितना फ्लफ़ी सा हो गया है ये देखिए, और बस क्विकली मुझे इसको जमा देना है।
ये देखिए बस इसका सोडा जो है बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर मुझे मिक्स कर लेना है। मैं इसमें ट्रांसफ़र कर दूंगी इसे, बस इसे इस तरीके से मैं हिला दूंगी। अब इसे मैं ठंडा करने के लिए रख दूंगी, तकरीबन 2 घंटे तो लगेंगे, 2 ढाई घंटे में ये ठंडी हो जाएगी। उसके बाद मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाती हूँ। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, रेडी है आप सबके लिए गुड़ पापड़ी कह लें आप इसे या गुड़ पट्टी कह लें। ये पूरी तरीके से ठंडी हो चुकी है, अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने मोल्ड लिया था ना केक का, तो इस तरीके से मैं इसको यहाँ से खोल लूँगी। ये देखिए अब ये मैं इसको यहाँ से खोल लूँगी तो ये खुद ही रिमूव हो जाएगा, निकल जाएगा। ये देखिए इसलिए मैंने ये मोल्ड लिया था। तो ये देखिए बस ये टेक्निक है कि इसको निकालें कैसे। तो थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे तो ये देखिए, तो ये देखिए कितने अच्छे तरीके से निकल के बाहर आ चुकी है। आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं, बस इसी तरीके से बना लीजिएगा। इसे मैं इस तरह कट कर लेती हूँ। ये देखिए आप यकीन कीजिए कि जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे तो मैं ये बहुत शौक से खाती थी। उस टाइम मुझे नहीं मालूम होता था कि इस किस तरीके से बनती होगी क्या, बस बहुत टेस्टी लगती थी और हम लोग बहुत शौक से खाते थे, और विंटर्स में तो लाजमी हम इसे खाते थे। तो ये देखिए इसकी थिकनेस वगैरह, इसका साइज़, ये सब आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। ये देखिए ठीक है, बस ये मैंने तोड़ कर यहाँ रख दिए हैं। तो ये देखिए इसे भी तोड़ के दिखा देती हूँ, इसका क्रंच देखिए आप। ये देखिए यकीन मानिए बहुत टेस्टी बनी है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।